गोरखनाथ मंदिर के बाहर हुए हमले में इसलिए आतंकी हमला कहने से इसे इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि इस हमले का मोडस ऑपरेंडी या तरीका ठीक वैसा ही है जैसा आतंकी संगठनों की ओर से होने वाले लोन वुल्फ अटैक में होता है, जिसमें अकेले ही एक हमलावर सामने आता है जिसका पहले से पता चलना मुश्किल होता है। ऐसे हमलों में आतंकी घात लगाकर अचानक हमला बोल देता है और हमले के लिए छोटे हथियार का इस्तेमाल करता है ताकि तेजी से कई लोगों को नुकसान पहुंचाया जा सके। कई बड़े आतंकी संगठन ऐसे हमले करवा चुके हैं क्योंकि ऐसे लोन वुल्फ अटैक के लिए किसी बड़ी प्लानिंग की जरूरत नहीं होती और शुरुआत को भाप नहीं पाता कि हमला कौन करने वाला है। एबीपी गंगा ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे से खास बातचीत में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि इस गंभीर मामले में हर पहलू की जांच की जा रही है। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। कि जो सोर्सेज से मेरे पास खबर है, लोन वुल्फ अटैक है ये एक तरीके से। मैंने हम शासन के द्वारा इसको बहुत गंभीरता से लिया गया है और हम लोगों ने इस चीज़ों को जो टेरर अटैक है उसको हम रूल आउट हम लोगों ने नहीं किया है। ऐसी परिस्थितियों में जब तक विवेचना पूरी नहीं हो जाती, लेकिन एक बात अवश्य है कि एक गहरी साजिश है जिसके तहत एक वेल प्रोटेक्टेड वाइटल इंस्टॉलेशन जो कि मंदिर है जिसकी अपनी एक स्वयं की सुरक्षा योजना है उस पे अटैक करने की कोशिश की। सर, ये माना जा रहा है कि नेपाल के रास्ते से देश विरोधी शक्तियों में से चार ऐसे आतंकी लगभग 25 दिन पहले, वो काशी का मामला हो, चाहे मथुरा का मामला हो, चाहे विश्वनाथ कॉरिडोर हो या गोरक्षपीठ हो, यहाँ रेकी कर। ये चीज़ें इतनी सामान्य नहीं है जिस पर कि कोई ऐसे ऑफ द कफ कर दे। ये दो देशों के डिप्लोमेटिक रिलेशंस की बातें हैं, इसमें अभी कुछ भी कहना बहुत ही प्रीमैच्योर होगा और इसमें कोई कमेंट मैं नहीं करना चाहता। सर, एक बहुत महत्वपूर्ण और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ये अटैक है उसका जो ट्रेंड देखने को मिल रहा है, जो सिक्योरिटी फोर्सेस जो खुफिया एजेंसीज हैं उनका ये मानना है, चाहे यूके हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, जो ट्रेंड है लोन वुल्फ अटैक का कि अटैक करना फिर भाग जाना या मर गए या मार दिए, वो इसमें साफ देखने को मिल रहा है। नहीं, आपने देखा होगा कि हमारे साथियों ने बहुत ही धैर्य का परिचय देते हुए उसे पकड़ा है ताकि हम इस पूरे प्रकरण का पर्दाफाश कर सकें और पूरी गहराई से इसकी जांच कर सकें, जबकि हमारे खुद के दो साथियों को बहुत गंभीर चोटें आई। सर, माना जा रहा है कि जो रेडिकलाइज हुआ है ये एक ट्रेंड बहुत देखने को मिला है और जाकिर नाइक के जो दस्तावेज हैं उनको ऑनलाइन पढ़ने के बाद इस तरह के जो यूथ हैं, जो पढ़े लिखे यूथ हैं, टेक्नोक्रेट हैं, वो ज़्यादातर प्रभावित हो रहे हैं। अभी चीज़ें विवेचना बहुत ही प्रारंभिक स्टेज में है, इस संबंध में मैं कुछ भी बताना उचित नहीं समझता क्योंकि इससे विवेचना एडवर्सली इफेक्ट होती है, लेकिन ये जरूर है कि हर एक पहलू पे विचार किया जाएगा और हर एक एजेंसी को कॉन्फिडेंस में लेके हम लोग आगे चलेंगे। आप मान